अभी तक हमने पढ़ लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कब चार्ज करते हैं और किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के कितने केसेस हैं वो भी पढ़ लिया। अब टॉपिक आता है सैलरी एंड कमीशन। फर्म पार्टनर्स को, जब पार्टनर्स यदि वर्क को ज्यादा कर रहे हैं या पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइड कर रखे हैं, तो उन्हें सैलरी या कमीशन भी प्रोवाइड किया जाता है। सैलरी एंड कमीशन फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस है लेकिन पार्टनर्स के लिए एक इनकम है। तो सैलरी पर मंथ की होगी तो हमें इसे 12 से इंटू करना होगा, पूरे वर्ष की निकालनी होगी। क्वार्टरली होगी तो 4 से इंटू करना होगा। और इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जैसे आप सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट जिस पार्टनर को पे कर रहे हैं, जैसे एक्स को पे कर रहे हैं तो टू एक्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ये डिपेंड करता है किस पे, कि फर्म की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएटिंग है। वाई को पे कर रहे हैं तो टू वाई कैपिटल या करेंट अकाउंट। इसके बाद ये हम सैलरी, पहले तो हमने उसको ट्रांसफर किया, ये सैलरी कहां से चार्ज की जाएगी, अप्रोप्रिएशन से। तो एंट्री आपकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। हर एक केस की दो एंट्री बनाएंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और करंट अकाउंट, टू वाई कैपिटल या करंट अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से सैलरी पे करनी है तो सैलरी की भी यही ट्रीटमेंट करेंगे, कमीशन पे करना है तो कमीशन की भी यही ट्रीटमेंट करेंगे, कमीशन की भी यही ट्रीटमेंट होगी। तो यानी फर्म जब यदि सैलरी के रूप में या कमीशन के रूप में पार्टनर को पैसे प्रोवाइड कर रही है तो ये भी एक एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ये भी एप्रोप्रिएशन से ही चार्ज होगा। पार्टनर से डीड में यदि मेंशन है तो चार्ज होगा, नहीं मेंशन है तो चार्ज नहीं होगा। इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले हमारा ये आ गया बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट की जो ट्रीटमेंट है उसको करने के बाद, यानी बिफोर एप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर चार्जिंग, यानी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है तो वो हम डिडक्ट कर देंगे, कोई एप्रोप्रिएशन का आइटम पहले से पे कर दिया, जैसे कभी कभी दे देता है कि आफ्टर जेड सैलरी आफ्टर वाई सैलरी, तो उसे हम प्लस करेंगे, तब ये हमारा प्रॉफिट पता चलेगा कि कौन सा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन का। फिर एप्रोप्रिएशन में यदि हमें सैलरी देनी है तो टू सैलरी जिसको देनी है, एक्स करेंट या कैपिटल, वाई करेंट या कैपिटल, जो भी पे करना हो। कमीशन पे करना है टू कमीशन, जिसको भी पे करना हो एक्स एंड वाई, वही चीज के हिसाब से। फिर आपका जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो भी उनका रेशियो गिवन हो, या यदि रेशियो नहीं है तो इक्वल, जो केस चलता था। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सैलरी यदि पर मंथ से होती है तो हम 12 से इंटू करते हैं, पर क्वार्टर होती है तो 4 से इंटू करोगे, पर एनम है तो सिंपल वही आएगा, क्यों, क्योंकि हमें पूरे एक वर्ष की सैलरी देनी है, जिस पार्टनर को देनी है हम उसे डिसाइड करेंगे। कमीशन जो हमें निकालना है, कभी कभी कमीशन हमारा बिफोर दिया होता है और कभी कभी हमारा आफ्टर दिया होता है। कमीशन जो निकालना है, कमीशन दो तरीके से निकलता है, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। बिफोर एप्रोप्रिएशन, तो यानी जितना प्रॉफिट है उसका उतना परसेंट हम कमीशन दे देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, इनटू रेट अपॉन 100। यदि आफ्टर कमीशन है, यदि किसी एप्रोप्रिएशन के पार्ट को माइनस करने के लिए कह रहा है, जैसे कि प्रॉफिट में से एक्स को कमीशन देना है आफ्टर सैलरी, तो प्रॉफिट में से हम पहले सैलरी को माइनस कर देंगे, जो बचेगा बैलेंस प्रॉफिट वो आ जाएगा बैलेंस प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि हम ये आफ्टर कमीशन निकाल रहे हैं। इसको एक क्वेश्चन पे अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाता हूं तो थोड़ा डीपली समझ में आएगा। बस मैंने यहाँ पे ये समझाया कि यदि सैलरी प्रोवाइड करनी है तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट साइड आएगा। कैसे निकालना है वो पर एनम का देना है, जितना भी आपका पर एनम का जिस रेट से दिया उस रेट से निकालोगे। कमीशन पे करना है, कभी कभी प्रॉफिट के बेस पे बिफोर होता है तो प्रॉफिट के रेट से निकालते हैं, आफ्टर होता है तो जिस चीज को आफ्टर बोला उसे माइनस करने के बाद निकालेंगे, आफ्टर में किसी का नाम नहीं दिया है तो सिर्फ प्रॉफिट को ही लेंगे लेकिन रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। इसकी जनरल एंट्री बनानी है तो सिंपल, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बना रहे हो उसी तरीके से इसकी भी जनरल एंट्री बनेगी, कोई ट्रीटमेंट अलग नहीं होगा। कभी कभी कैपिटल के नाम से जाता है, कभी कभी करेंट के नाम से,
जाता है। जब फर्म की कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल के नाम से ले आ जाएंगे, एंड यदि फर्म की कैपिटल फिक्स्ड है तो इसके लिए अलग अकाउंट में ट्रीट कर रहे हैं, यानी उसे हम करंट के नाम से लेके जाएंगे। अब इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पे बनाता हूँ। हाँ, कभी कभी हमारा जनरल रिजर्व भी होता है। जनरल रिजर्व फर्म अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट किसी पार्टनर को नहीं दे रही है, अपने पास सेफ रख रही है आगे के वर्क के लिए, उसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को भी कह सकता है कि प्रॉफिट का 10%, तो प्रॉफिट का 10% निकाल के हम जनरल रिजर्व दिखाएंगे। इंडिविजुअल प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट में से जितने भी एप्रोप्रिएशन है उसे माइनस करने के बाद ये जो बैलेंस प्रॉफिट बच रहा है उसका हम जनरल रिजर्व निकालेंगे। ये भी यहाँ पे इसके पार्टनरशिप डीड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फर्म जो है अपने पास सेफ रख रही है, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। लेकिन सेलरी एंड कमीशन हो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, तो यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो प्रोवाइड होगा, नहीं मेंशन है तो प्रोवाइड नहीं होगा। क्योंकि डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो चीजें तय होती हम वही देते, नहीं तय होती तो हम प्रॉफिट इक्वल बांटते। और इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए देते हैं क्योंकि पार्टनर का जो लोन है वो आउटसाइडर ट्रीट हो रहा है, यानी हमारा यही पे आकर के माइनस हो जाता है, या मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस होता है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं एक न्यूमेरिकल पे, तो थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।